Pandit Ramakrishna! पंडित रामाकृष्ण आप अपने आप को आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान समझते हैं क्या? नाना गुरुवर, मैं तो केवल अपने आप को बुद्धिमान समझता हूँ। उपहास मत कीजिए। उचित ये होगा पंडित रामाकृष्ण कि आप हमारे किसी भी विषय में टांग ना अड़ाया कीजिए। गुरुवर, टांग तो अब अड़ गई। चेतावनी दे रहे हम आपको पंडित रामाकृष्ण, इस विषय से दूर रहिए आप। गुरुवर प्रणाम। प्रणाम महाराज। ये क्या देख रहे हैं हम? आशीर्वाद देने वाले मुख से आज चेतावनी? ऐसा क्या विवाद हो गया आप दोनों के मध्य के बाद यहां तक पहुंच गई? महाराज वो भी है। दरबार में आके बताइए। महाराज, हमारे एक धार्मिक अनुष्ठान करने पर दक्षिणा में महाराज बाला कुमारा ने हमें एक भूखंड दिया था जो ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ हाट का चौराहा है महाराज, और हमने वो भूमि मधुर नामक एक व्यक्ति को व्यवसाय करने हेतु किराए पर दी थी। उसने वहां पर अपनी दुकान डाल ली। महाराज, हमारे आशीर्वाद और हमारी भूमि के कारण उसका व्यवसाय फल फूल गया। हमारा मात्र इतना ही कथन है महाराज, उसने जितना भी धन कमाया हमारी भूमि के कारण कमाया। यदि हम भूमि नहीं देते तो वो व्यवसाय कैसे कर पाता महाराज? महाराज, अब हमने उससे उसकी कमाई का आधा हिस्सा मांगा तो ये पंडित रामा कृष्णा टपक गए बीच में, भड़का दिया मधुर को हमारे विरुद्ध और कहा कि वो आधा हिस्सा ना दे। पंडित रामाकृष्ण, आपने ऐसा क्यों किया? महाराज, ये सत्य है कि मधुर की दुकान जिस भूमि पर है वो भूमि गुरुवर की है। ये भी सत्य है कि गुरुवर ने वो भूमि मधुर को व्यापार करने के लिए दी थी, किंतु आप इनसे पूछिए, भूमि देते समय क्या इन्होंने मधुर के समक्ष ऐसी कोई भी शर्त रखी थी कि उसे अपनी कमाई का आधा हिस्सा इन्हें देना होगा? कहिए गुरुवर, क्या आपने ऐसी कोई शर्त रखी थी? नहीं महाराज, कोई शर्त नहीं रखी थी। मधुर इनकी भूमि का उचित किराया देने को तैयार है, किंतु उसने जितना भी धन अर्जित किया है वो केवल अपनी योग्यता और क्षमता से किया है, जिस पर गुरुवर का कोई अधिकार नहीं बनता। पंडित रामाकृष्ण, हम आपके इस कथन से सहमत हैं कि व्यक्ति अपनी योग्यता से धन अर्जित करता है, स्थान से नहीं। महाराज, पंडित रामाकृष्ण ये कहना चाहते हैं कि यदि मधुर को वन में भूमि दे दी जाती तो अपनी योग्यता और क्षमता से वो वहां भी धन अर्जित कर लेता, क्योंकि वहां भी योग्यता और क्षमता तो समान ही रहती ना। पंडित रामाकृष्ण, गुरुवर के इस तर्क को भी नकारा नहीं जा सकता। जी महाराज, महाराज ये संभव है कि मधुर दुकान के माध्यम से वन में धन अर्जित ना कर पाए, किंतु बात यहाँ योग्यता और क्षमता की है। वो अपनी योग्यता से वन में ही कोई अन्य कार्य करके अपना धन अर्जित कर लेता। यदि उचित स्थान ना हो तो योग्यता धरी की धरी रह जाती है। दुकान किस स्थान पर है यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अवश्य पड़ता है गुरुवर, किंतु मैं पुनः कहूँगा कि यदि मनुष्य में योग्यता है तो वो कहीं भी धन अर्जित कर सकता है, वन हो चाहे पर्वत में भी। अच्छा पंडित रामाकृष्ण, एक बात बताइए, चलिए आप पर्वत पर हैं, वहाँ बैठकर आप धन कैसे अर्जित करेंगे? मूंगफली बेचकर। ना 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 ना, जल पिलाकर। जो भी थके हारे पर्वतारोही वहाँ आएंगे मैं उन्हें शीतल जल पिलाऊंगा, जिसके बदले में वो मुझे धन देंगे। इसे कहते हैं योग्यता और क्षमता। अद्भुत अद्भुत पंडित रामाकृष्ण, हम आपके इस कथन से पूर्णतः सहमत, इसे कहते हैं धन अर्जित करने की योग्यता। रामा, तू अपनी बुद्धि मत लगा, गुरुवर के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे हैं। योग्यता, अब हम इन्हें दिखाते हैं कि हम में इन्हें फंसाने की कितनी योग्यता है। महाराज, पंडित रामाकृष्ण ये कहना चाहते हैं कि अपनी योग्यता और क्षमता से वो कहीं भी धन अर्जित कर सकते हैं, है ना, है ना, है ना, है ना पंडित रामाकृष्ण? हाँ गुरुवर। तो यदि आप गौशाला में हैं, वहां भी आप धन अर्जित कर सकते हैं? अवश्य गुरुवर। देखिए, गौशाला में दूध की कोई कमी तो होती नहीं है, तो मैं दूध बेचकर धन अर्जित कर लूंगा, क्यों महाराज? किंतु पंडित रामाकृष्ण, यदि वो गौशाला ऐसी है जहाँ गौ दुग्ध नहीं देती है तो आप धन अर्जित कैसे करेंगे? हैं? फंस गया रामा। मान की उदाहरण कर लिया पंडित रामाकृष्ण, बोलिए बोलिए बोलिए। आप पंडित रामाकृष्ण,
गुरुवर के इस तर्क का उत्तर तो देना ही पड़ेगा आपको। जी महाराज, मैं वहां भी धन कमा लूंगा। गई भैंस पानी में। बस पंडित रामा कृष्णा, अब आपकी योग्यता और आपकी क्षमता को महाराज भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। आज से 3 दिवस तक आप ऐसी गौशाला में रहेंगे जहां की गौ दुग्ध नहीं देती है, और इन 3 दिवस में आपको 2,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करके दिखानी है, और यदि आपने ऐसा करके दिखा दिया तो हम आपकी बात से सहमत हो जाएंगे कि मनुष्य अपनी योग्यता और क्षमता से कहीं भी धन अर्जित कर सकता है। ये देखा मनी, हमारे गुरुजी ने नहले पे दहला मारा है। हम मधुर से उसकी कमाई का आधा हिस्सा नहीं मांगेंगे, और यहां तक कि हम किराया भी छोड़ देंगे। बोलिए पंडित रामाकृष्ण, आपको हमारी चुनौती स्वीकार है? गुरुवर, परंतु ये भला कैसे संभव है? कोई ऐसी गौशाला में जहाँ की गाय दूध ना देती हो, 3 दिवस में 2,000 स्वर्ण मुद्राएं भला कैसे अर्जित कर सकता है? वही तो महाराज। महाराज, यही तो योग्यता की परीक्षा है। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी पराजय को स्वीकार कर लें और मधुर से हमें उसकी कमाई का आधा हिस्सा दिलवाएं। किंतु गुरुवर, भला मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हैं? कहिए, चुनौती स्वीकार है आपको? पंडित रामाकृष्णा जी महाराज, अब आपके समक्ष केवल 2 ही विकल्प हैं। या तो आप गुरुवर द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करें और 3 दिवस तक गौशाला में रहते हुए 2,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करके दिखाएं, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि व्यक्ति के धन अर्जित करने के लिए केवल उसकी योग्यता और क्षमता ही पर्याप्त है, स्थान का कोई महत्व नहीं होता। परंतु यदि आपने ये चुनौती स्वीकार नहीं की, और स्वीकार कर ली परंतु पूर्ण नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में गुरुवर की बात सत्य मानी जाएगी और तब मधुर को अपने व्यवसाय के मुनाफे में से आधा हिस्सा गुरुवर को देना होगा। महाराज, मैं वो बोलिए पंडित रामाकृष्णा, आपको ये चुनौती स्वीकार है अथवा नहीं? अरे बोलिए बोलिए पंडित रामाकृष्णा, आपकी क्यों हो गई, बोलती क्यों बंद हो गई, कहिए। रामा, कह दे चुनौती स्वीकार नहीं। स्वीकार है महाराज। फंस गया रामा। तो ये तय रहा, आज से 3 दिवस तक पंडित रामाकृष्णा गौशाला में रहेंगे, और उन 3 दिवस में पंडित रामाकृष्ण 2,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करके दिखाएंगे। हमारी शुभकामनाएं। अरे रुकिए, तो सोच सोच कर दुखी हुए जा रही कि अब आपका क्या होगा। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हमने आपको कितना समझाने का प्रयत्न किया पंडित रामाकृष्णा, कि हमारे मामले में टांग ना अड़ाइए ना अड़ाइए, किंतु सब कुछ समझते हुए भी आप नहीं समझना चाहते हैं, तो हम क्या करें हैं? जैसी भगवान शिव की इच्छा। गुरुवर, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप मेरे शुभचिंतक ही हैं, और आपको भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं गौशाला में धन अर्जित करके दिखला दूंगा। किंतु आपको गौशाला के कार्यों से अवकाश प्राप्त होगा, तभी तो आप धन अर्जित करेंगे ना पंडित रामाकृष्ण। कदाचित आप भूल रहे हैं कि मैं वहाँ गौशाला के कार्य करने नहीं, अपितु धन अर्जित करने जा रहा हूँ। रुकिए, कीजिए जितना धन अर्जित करना चाहते हैं कीजिए, किंतु आपकी जानकारी के लिए हम आपको सूचित कर देते हैं कि किसी कारणवश गौशाला के जितने भी कर्मचारी हैं वो अवकाश पर गए हैं। हाँ,
अब आप तो जानते हैं कि गौशाला का प्रबंधन जो है वो हमारे हाथों में है। बस अब देखना ये है कि गौशाला के कार्यों को करते हुए आप कैसे धन अर्जित करते हैं। पंडित रामकृष्णा, हम आपसे गौशाला में इतने कार्य करवाएंगे कि धन अर्जित करना तो तू एक क्षण का विश्राम तक नहीं मिलेगा आपको। जाइए। पंडित रामकृष्णा, ये मसाला क्यों कूट रही हो तुम दोनों? हमने और अम्मा ने मसालों का नया व्यापार प्रारंभ किया है। संपूर्ण दक्षिण में हम मसालों का निर्यात करेंगे। उसके लिए पहले खड़े मसाले आयात करने अच्छी पड़ेंगे, तत्पश्चात उसे पीस कर निर्यात करने पड़ते हैं। खड़े मसाले मुफ्त में नहीं आते। उसकी चिंता तू मत कर, हमें एक बहुत बड़ा साहूकार मिला है जो हमारे व्यवसाय में धन निवेश करने को मान गया है। साहूकार? कौन साहूकार? बस धन लेकर आते ही होंगे। अरे किंतु इस कार्य में तो बहुत बहुत परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। शारदा, अच्छी, तुम्हें विश्वास है कि तुम ये कार्य कर पाओगी? क्यों नहीं कर पाएंगे? वैसे भी आज राज दरबार में तू कह के आया है कि योग्यता और क्षमता से सब कुछ संभव है। तुम्हें ये ज्ञात है? और ये भी ज्ञात है कि गुरुवर ने आपको चुनौती दी है जिसके अनुसार आपको 3 दिवस तक गौशाला में रहना है और गौशाला में रहते हुए 2 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करके दिखाना है। वो भी एक ऐसी गौशाला में जहाँ की गाय दूध तक नहीं देती। बहुत बुद्धिमान बनता है ना? आप धन अर्जित करके दिखा। वही तो समझ में नहीं आ रहा अम्मा, गुरुवर ने अच्छी सारे कर्मचारियों को छुट्टी दे दी है। अब गौशाले के सारे कार्य मुझे अकेले करने पड़ेंगे। पता नहीं कैसे करूंगा। तू तो बड़ा आलसी है, सच में कैसे करेगा? शारदा, हमने अम्मा कह रही है। अम्मा, पता नहीं मैं अकेले ये सारे कार्य कैसे करूं। मैं ये कह रहा था कि अम्मा, पता नहीं मैं ये कार्य कैसे करूंगा, क्योंकि महाराज का विश्वास भी तो भंग नहीं होना चाहिए ना। ऊपर से महाराज ये चाहते हैं कि मैं एक उदाहरण बनूं कि कैसे योग्यता और क्षमता से कहीं पर भी धन अर्जित किया जा सकता है। पंडित रामकृष्ण, आप हैं ही अद्भुत। कौन बोला? अरे यही वो साहूकार है जो हमारे व्यापार में धन निवेश करने वाले हैं। आपके विषय में जितना सुना था कम है। आपके सिवा कोई हो ही नहीं सकता जो ऐसी चुनौती स्वीकार करे। मैं विचार कर रहा हूँ कि जितना धन मैं निवेश करने वाला हूँ अब उतना नहीं, अपितु उससे दुगना धन निवेश कर दूं। अच्छी, किंतु मसालों के व्यवसाय में नहीं, अपितु पंडित रामकृष्ण की बुद्धि पे। क्या कह रहे हैं आप? हम प्रातःकाल से मसाले कूट रहे हैं और आप? देखिए, अब तो मैं अपना धन पंडित रामकृष्ण की बुद्धि पे ही निवेश करूंगा और खूब धन अर्जित करूंगा, क्योंकि समस्या विकट रामा प्रकट। चलता हूं मैं। स्वागत है पंडित रामकृष्णा, स्वागत है आपका, स्वागत है।
अब से 3 दिवस के लिए गौशाला हम आपको सौंप रहे हैं। अब तो बस 3 दिवस तक आपको गौ माता की मधुर मधुर ध्वनि सुनाई देगी। देखिए आपको पहचान लिया। हमें पहचान रही है कि आपकी पहचान करवाने के लिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। और साथ में सुनिए, अब तो 3 दिवस तक इनके गोबर की भीनी भीनी सुगंध आपके चारों ओर फैली रहेगी। वो सब तो ठीक है गुरुवर, किंतु मेरे भोजन का क्या प्रबंध है? अरे क्या समस्या है, आप तो इतने योग्य पुरुष हैं, अपनी योग्यता से कुछ भी प्रबंध कर सकते हैं आप। कुछ भी पका लीजिएगा, खा लीजिएगा, अन्यथा देखिए भूसा भरा पड़ा है, भूसा खा लीजिएगा। मैं तो भूसा खा लूंगा गुरुवर, किंतु फिर आप क्या खाएंगे? क्या बात की है पंडित रामा कृष्णा जी, उपवास कर रहे हैं आप हमारा? हाँ। सामग्री दी जाएगी आपको, पकाइएगा और खाइएगा। और अब ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, यहाँ आपको क्या क्या कार्य करने हैं। ये जो गौ माता है इसका विशेष ध्यान रखना है यार, क्योंकि ये गौ माता महाराज की अति प्रिय गौ माता है। किंतु गुरुवर, यदि ये महाराज की इतनी ही प्रिय है तो इसकी देखरेख का भार आप ही उठा लीजिए ना। यदि मुझसे कोई चूक हो गई तो महाराज तो क्रोधित हो जाएंगे और फिर उनके क्रोध की वर्षा आप पर भी गिरेगी। हाँ, जैसा आपको कहा गया है वैसा ही आपको करना है पंडित रामा कृष्णा, या मात्र हमारे नियम चलते हैं। आप सभी गायों को चारा खिलाना है, इनका गोबर उठाना है, इन्हें स्नान करवाना है, इनके बाल संवारने हैं और पूरी गौशाला को गोबर से लीपना है। जय गुरुवर, मैं ये सब करने को तैयार हूँ, किंतु जीवन में ना इससे पहले मैंने ये सारे कार्य किए नहीं है ना, तो यदि कोई मुझे ये कार्य सिखा दे तो मैं कर लूँ, अन्यथा मैं नहीं करूँगा। अरे कैसे नहीं करेंगे आप पंडित रामा कृष्णा? धनी बने पंडित रामा कृष्णा को सभी कार्य करके दिखलाओ। धनी बने, धनी बने, भागल दुष्ट, कहीं के इन दुष्टों को कहीं छोड़ेंगे नहीं। अब क्या होगा गुरुवर, अब मुझे ये सारे कार्य करना कौन सिखाएगा? कृपा करके आप ही सिखा दें। हाँ सिखा दीजिए गुरुवर। पंडित रामकृष्णा, सब कार्य हमने आपको करके दिखला दिए। अब आप हमें सब कार्य करके दिखलाइए। किंतु गुरुवर, आज तो आपने सारे कार्य स्वयं कर दिए। हाँ, अब मैं ये सारे कार्य कल करूंगा, और यदि कल मैं कुछ भूल गया ना तो आप पुनः मुझे ये सारे कार्य करके दिखला देना। क्यों पंडित रामकृष्णा, आपने हमें मूर्ख बनाया, सब कार्य आपने हमसे करवा लिए, छोड़ेंगे नहीं आपको। ये चालाकी आपको अत्यंत भारी पड़ेगी। याद रहे, 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं 3 दिवस में। चालाकी से सारे कार्य गुरुवर से करवा लिए, किंतु अब ये सोच कि धन अर्जित कैसे करेगा? वही तो कुछ सोच नहीं रहा बंधु। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।